लास्ट में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमें हमारे पास किसी फंक्शन में सिग्नम आ जाए तो हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कहां पर जहां पर उसका इनपुट जीरो हो रहा होगा ये बात हुई थी तो वैसे कुछ क्वेश्चन करें कौन सा करवाया था चलो एक और कर लो Discuss the continuity of x is equal to एक्स x cube minus x. <coughs> Sorry, <coughs> क्यू माइनस पर continuous होगा कहा के हो? अंदर वाला नंबर जो है यानी x cube minus x, जब ये नंबर zero के equal होगा तब हमारा function क्या होगा Discontinuous होगा अगर इसके फैक्टर्स बनाए जाए तो क्या बनेंगे एक्स इंटू एक्स के माइनस वन इक्वल टू जीरो x की वो वैल्यूज हैं जहां पर <coughs> 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 सॉरी सिग्नम का जो इनपुट होगा वो जीरो के इक्वल होगा तो इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा बाकी हर जगह काम पर क्या होगा कंटिन्यूस। तो हम बोल देंगे माइनस जीरो माइनस वन और वन सिर्फ इन वैल्यू को छोड़कर हर जगह कंटिन्यूस है कुछ नोट करना है तो नोट कर लो नहीं तो अगला क्वेश्चन देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ करेंगे जहां जहां पर दोबारा इनपुट जीरो होगा वहां वहां पर दिक्कत आएगी अगर टू कोस एक्स माइनस वन को जीरो इक्वल करेंगे तो कोस एक्स वन बाई टू आएगा वन बाई टू का मतलब होता है कोस पाई बाई थ्री कोस थीटा कोस पाव बाई थ्री की इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी π π π 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आंसर लिखना सीखा है हमने यही हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होंगे इसका मतलब इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां पर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस बनेगा नोट कर लो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो ये तो अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट लिखो कि सिग्नम तभी कंटिन्यूस हो सकते जब या तो उसके अंदर वाला इनपुट हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो सिग्नम को दिक्कत तब आती है जब उसके अंदर वाला नंबर जीरो की तरफ जा रहे जीरो को क्रॉस करे या तो जीरो से इस तरफ जाए या जीरो के इस तरफ जाए क्योंकि होगा क्या जीरो पर वैल्यू जीरो आएगी एक तरफ वैल्यू वन आएगी और दूसरी तरफ वैल्यू माइनस वन आएगी अगर हमारा फंक्शन का इनपुट जो है अगर वो जीरो को क्रॉस ही नहीं कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसलिए हमने कहा कि थ्री साइन एक्स प्लस ए जो है या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए हर एक्स के लिए या वो नेगेटिव होना चाहिए हर एक्स के लिए यहां से मिला कि ए माइनस थ्री साइन एक्स से बड़ा होगा अब अगर ए हमेशा थ्री साइन एक्स से बड़ा है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब साइन एक्स को माइनस वन पुट करेंगे तो आएगी थ्री तो ए थ्री से बड़ा होना चाहिए ऐसे यहां पर हमें मिल रहा है कि ए माइनस थ्री साइन एक्स से छोटा होना चाहिए तो इससे छोटा होने का मतलब हमेशा छोटा होना चाहिए ना क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्योंकि ये लिखा हुआ है कि एक्स टू आर इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए मिनिमम वैल्यू आएगी जब साइन एक्स को वन पुट करेंगे तो ए माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए तो दो ऑप्शन बनते हैं या तो ए माइनस थ्री से छोटा हो या थ्री से बड़ा हो बस ये काम करना है अपने को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो सिर्फ x इक्वल टू जीरो पर कि कंटिन्यूस है या नहीं है हाँ निहारी का ठीक है डिसकंटिन्यूस है माइनस वन वन पर मैं सिर्फ इतना पूछूं रहा जीरो पर क्या होगा माइनस वन वन तो ठीक है वो तो वही सिनेरियो बनेगा वही केस बनेगा जीरो पर क्या होगा दिक्कत आ रही है तो बेसिक्स पे चले जाओ ना वही एफ ऑफ जीरो एल एच एल एट वहां से चेक करो बेसिक्स तो नमेश तो मेहनत ना करने का मन करे और कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं है जैसे मान लो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो बोल दे की वन पर चेक करके बताओ तो हम तो चेक करना जानते हैं एफ ओ वन निकालो एल एच एल निकालो आरएचएल निकालो लेकिन अगर वो नंबर लाइन पर बात करे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कहा चेक करना है अपने अगर मान लो <coughs> सॉरी अगर मान लो ऐसा हो गया कि पूरी नंबर लाइन पर दे दिया तो तो इन्फाइट पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा तो स्पेसिफिक पॉइंट्स पता होंगे तो हमारा काम बन जाएगा वो फायदा होता है तो इसलिए बस वो यूज करते हैं कि वहां वहां पर चांस है अगर जीरो पर बात करें तो हो क्या रहा है की मोडेक्स की जो वैल्यू है हालांकि हमें निकालने की जरूरत नहीं हम डायरेक्ट बता सकते हैं मोडेक्स की जो वैल्यू है वो जीरो पर कितनी होगी जीरो होगी अगर जीरो के आसपास भी देख लें सिग्नम या तो जीरो वैल्यू लेगा अगर जीरो के आसपास देखें या तो ये वैल्यू जीरो लेगा या माइनस वन लेगा या वन लेगा लेकिन ये कितनी वैल्यू लेगा ये तो जीरो ही लेगा अब जीरो को इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जीरो आएगी जीरो पर भी एग्जैक्ट जीरो आएगा टेंडिंग टू जीरो के टाइम पर क्या होगा टेंडिंग टू जीरो इनमें से कोई भी एक नंबर तब भी जीरो आएगा तो सिग्नम का इनपुट जीरो हो रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पर तो जरूरी नहीं कि वहां पर डिसकंटिन्यूस आएगा साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका भी फर्क पड़ेगा ठीक है तो अगर प्रॉपर तरीके से लिखकर देखना चाहो तो एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा जीरो का मोड सिग्नम जीरो का क्यूब माइनस जीरो के देखो जीरो ही आएगा अगर मैं आर की बात करूं कभी भी अगर हमें आर एच एल निकालनी हो तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच का मतलब होगा एच का मोड सिग्नम एच का क्यूब माइनस एच फिर हम कहेंगे कि क्योंकि एच बहुत एक छोटा नंबर है जीरो को टेंड कर रहे हैं तो एच का क्यूब बड़ा होगा या एच बड़ा होगा एच बड़ा होगा क्योंकि छोटे नंबर की जितनी छोटी पावर हो उतना ज्यादा बड़ी है तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस एगी माइनस वन इंटू एच तो क्या होता है जीरो प्लस ही होता है ना माइनस वन इंटू एच का मोड कितना होगा एच तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेन इंटू जीरो प्लस माइनस एच अब एच टेन तो जीरो ना तो माइनस जीरो कितना आएगा जीरो ही आएगा आरएचएल भी जीरो आ रही है अगर हम एल एच एल की बात करें एल एच एल निकालते वक्त हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो माइनस एच यानी माइनस एच इस बार माइनस एच का क्यूब प्लस एच बनेगा <coughs> सॉरी एच बहुत एक छोटा नंबर है तो एच बड़ा होगा एच क्यूब उससे छोटा होगा पावर ज्यादा रखेंगे तो नंबर और छोटा होता जाएगा तो एच माइनस एच क्यूब क्या आएगा पॉजिटिव आएगा सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डलेगी तो क्या बनेगा वन बनेगा वन इंटू माइनस एच का मोड कितना होगा h, h कितना है? H, आ गया तो इसका मतलब ऑफ और तीनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो दोबारा फिर बोल रहा हूं सिग्नम का इनपुट अगर जीरो आ रहा है तो वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है कि डिसकंटिन्यूस होगा हो ही होगा और उसको भी आसानी से चेक कर सकते हो बिना एल एच एल आरएचएल निकाले तुम्हें यह देखना है कि कहां पर जीरो हो रहा था जीरो पर चेक कर रहा था ना तो जीरो पर यह भी तो जीरो हो रहा है ना सात वाला तो जीरो इंटू बनेगा तो जीरो पर कंटिन्यूस होगा अगर मान लो मैं बोल देता एक्स इक्वल टू वन पर बताओ क्या होगा एक्स इक्वल टू वन पर सिग्नम को दिक्कत है बिल्कुल दिक्कत है एक तरफ जीरो होगा मतलब वन पर जीरो होगा एक तरफ वन होगा एक तरफ माइनस वन होगा मोड एक्स वन पर कितनी वैल्यू ले रहे वन वैल्यू ले रहे तो वन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज निकल कर आएंगे उसको गायब नहीं कर सकता ना वो उसको तो इसका मतलब वन पर क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा डायरेक्ट बता सकते हैं और सेम लॉजिक से अगर मुझे बताना होल टू माइनस वन पर भी मैं बोल सकता हूं कि डिसकंटिन्यूस होगा चलो एक और एग्जाम्पल लो मालूम तुम्हें बोल ऑफ एक्स जो है वो है कोसेक्स इंटू सिग्नम एक्स माइनस पाई बाई टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है सोच के देखो तो सोचने का तरीका क्या होगा पाई टू पर अंदर वाला जो इनपुट है कितना जीरो बन रहा हो तो दिक्कत आ सकती है चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसी एंगल पर अगर ये पाई बाई टू पर जीरो सॉरी <coughs> <coughs> इसकी पाई बाई टू पर वैल्यू चेक करोगे तो जीरो आएगी जीरो इंटू जीरो जीरो अगर आर एच एल चेक करोगे तो वन देगा वन इंटू जीरो जीरो आएगा अगर एल एच एल चेक करोगे तो माइनस वन आएगा माइनस वन इंटू जीरो भी कितना आएगा जीरो आएगा तो इसका मतलब इसकी तीनों वैल्यूज बराबर आएगी आर एच एल एल एच एल और एफ ओफ जीरो मतलब ये फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूस होगा तो साथ में अगर जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंटिन्यूस बन जाएगा अगर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तब जाकर डिसकंटिन्यूस आएगा ठीक है एक लास्ट एग्जांपल और कर लो ये कहां पर डिसकंटिन्यूस है तुम्हें यह बताने क्या भाई जीरो पे।, पे है और कहीं पर नहीं है तो क्या करोगे सिग्नम को कहां, कहां पर दिक्कत आ सकती है जीरो पर दिक्कत आ सकती है. तो सात वाला चाहूंगा लेकिन एक्स इक्वल टू वन पर सात वाला नंबर जीरो इंटू तो बनेगा जीरो बनेगा इसका मतलब यहां पर यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा इसी तरीके से अगर x इक्वल टू माइनस वन की बात करें माइनस वन पर सिग्नम को दिक्कत है क्योंकि सिग्नम का इनपुट जीरो माइनस वन पर जो सात वाला नंबर है वो भी जीरो तो यहां पर भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस आएगा तो वही चेक करना करने इंटू में जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर एक्स पर या नहीं अगर हो रहा है तो कंटिन्यूस आएगा अगर जीरो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डिसकंटिन्यूस आएगा कर लोगे इसके बाद हाँ भाई ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो कुछ नहीं तो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं find the points of discontinuity of fx fx कहां-कहां पर discontinuous है कोई चेक करो सिग्नम को कहां पर दिक्कत है वो दिक्कत किसी वजह से दूर हो रही है तो बात अलग है बॉक्स को कहां-कहां पर दिक्कत आ रही है फ्रिक्शनल को कहां-कहां पर दिक्कत आ रही है ठीक है मान लो सपोज करो जैसे फ्रैक्शन को कहां पर दिक्कत आती है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को कहां पर दिक्कत आती है कहां पर दिक्कत आने से मतलब कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है कहां पर? Integers पर इंटीजर्स होता है। अगर इसका इनपुट इंटीजर वैल्यू लेगा वन टू थ्री फोर फाइव तब जाकर इसको दिक्कत आएगी सॉरी <coughs> तो एक्स इक्वल टू थ्री पर दिक्कत आएगी या नहीं आएगी इसको आएगी तो थ्री का स्केर नाइन बनेगा नाइन इंटीजर होता है इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कटिन्यूस होगा तो अगर इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई हो रहे तो तो मिनट तो अगर मैं ये लिख देता एक्स माइनस थ्री इंटू फ्रिक्शन पार्ट एक्स का स्केर तो मुझे दिख रहा है x इक्वल टू थ्री पर ये वाला नंबर जो है वो इंटीजर बन रहा है 9. तो 9 के लेकिन जब x को थ्री पुट करेंगे तो साथ में जीरो बन रहे तो इस जीरो की वजह से जीरो गारंटी तो 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 है, है अगर जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंटिन्यूस हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा ये तरीका होता तो है चेक करने का टू पे तो सिग्नम के हिसाब से तो टू पर ही वैल्यू चेक करनी चाहिए बाकी कोई दूर दूर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को कि कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, जो भी हमेशा आएगा कंटिन्यूस, तो एक तो मुझे चेक करना चाहिए एक्स इक्वल टू टू पर अब अगर मैं x equal to 2 पर चेक करूं, तो होगा क्या सिग्नम एक्स माइनस टू को दिक्कत है अब साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई है उसकी तरफ भी हम देखेंगे कि हो क्या रहे तो लोग टू टू e है। इसका क्या लिखा हुआ अच्छा, e है बुक्स अच्छा ई कितना होते हैं e की वैल्यू कितनी होती है मैं पूछ रहा हूं ई तू बता रहे लोग पर भी सवाल आएगा मैं ये नहीं बता रहा मैं ये वाला बताऊंगा तो ये आता है मुझे ई कितना होता है दो से बड़ा होता है e ई पॉइंट सेवन होता है ना लोग का लोग काम कैसे करते हैं कि ई की क्या पावर रखेंगी टू आजे टू पॉइंट सेवन की क्या पावर रखें कि टू जाए

जब इसको सोल्व करते हैं तो जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास वैल्यू आती है इसकी क्या हाँ, जितनी भी आती है तो 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 वही पूछ रहा ना तो का जो आएगा, जो आएगा 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना वैसे पर को दिक्कत होनी थी लेकिन सात वाला जो नंबर है वो जीरो तो अगली दिक्कत किसको आएगी अगली दिक्कत किसको आएगी जो बॉक्स है उसको आएगी जब जब बॉक्स के अंदर वाला नंबर इंटीजर होगा तब तब दिक्कत आ सकती है अपने को। ठीक है तो इसकी नजरों से देखेंगे कि अब इसको कहां-कहां पर दिक्कत आने वाली है। <coughs> सॉरी। जब तुम एक्स को वन पुट करोगे तो लोग वन टू कितना होगा जीरो होगा तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू वन पर

तो बताया था ना अगर इंटीजर आ रहा हो तो हमें ये चेक करना होता है कि इंटीजर के अगर लेफ्ट में आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है अगर इंटीजर या इंटीजर के राइट में है तो कोई है है अपने को नहीं है। क्योंकि मान लो है सेवन से अगर हल्का सा आगे बढ़कर पर भी आ तब भी इसका बॉक्स तो सेवन ही है कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत तब आएगी जब हम सिक्स पॉइंट नाइन पर आएंगे क्योंकि सिक्स पॉइंट नाइन का बॉक्स कितना हो जाएगा सिक्स तब डिस्किन्यूस हो जाता है तो यहां पर वन के राइट में ही है ना वन के राइट में तो कोई इशू नहीं आएगा एक्स इक्वल टू वन पर भी क्या होगा कंटिन्यूस ठीक है पह, अब पहले इसकी वैल्यू जीरो आई थी अब इसकी वैल्यू वन कब आएगी पी पर आएगी ना कैसे नशे करके बैठेगा गए तू शिवरात्रि भी नहीं आ रही अब तो आसपास कहीं पर कोई भांग पी के बैठा होगी चेंज करना टेन पर क्यों आएगी भाई इसकी वैल्यू

अच्छा चलो वैसे सोचो अब इसकी वैल्यू कितनी सेट करी थी वन सेट करी थी अगली वैल्यू कितनी सेट करूंगा इसकी टू पहले इसको जीरो करके देखा एक्स इक्वल टू वन आया फिर इसको वन करके देखा एक्स इक्वल टू ई आया अब इसकी वैल्यू कितनी सेट करेंगे टू सेट करेंगे अगर इसकी वैल्यू टू सेट करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ई स्केयर ई स्केर कितना होगा टू पॉइंट सेवन का स्केयर होगा टू पॉइंट सेवन का स्केयर कितना होगा ऑलमोस्ट आठ पॉइंट कुछ आएगा मैं बोल रहा हूं क्या टू पॉइंट सेवन का स्केयर कितना उससे पहले ही फंक्शन खत्म हो चुके तो बस इतनी वैल्यू पर चेक करनी है अगर मान लो मैं बोल देता वन से लेकर टेन तक है अब अगर वन से टेन है तो ई e स्केर आएगा ना तो हमें ई e स्केर पर भी चेक करना पड़ता इ e क्यूब पर भी चेक करना पड़ सकता था तो उसके हिसाब से इसका काम हो गया हमें दिख रहे एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन चेंज हो रहे थ्री से पहले अलग वैल्यू ले रहे थ्री के बाद अलग वैल्यू ले रहे तो थ्री पर भी हमें चेक करना पड़ेगा थ्री पर चेक करते थ्री पर जो हमारे पास एल एच एल है वो कितनी होगी थ्री पर सिग्नम थ्री माइनस टू सिग्नम वन होगा सिग्नम वन कितना होता है 1. क्योंकि सिग्नम को फर्क पड़ता है कि अंदर पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है अगर पॉजिटिव होगी तो सिग्नम वन वैल्यू देगा नेगेटिव होगी तो माइनस वन वैल्यू देगा अच्छा लोग थ्री टू द बेस ई अगर मैं लोग थ्री टू द बेस ई की बात करूं, e की क्या पावर रखें कि थ्री आ जाए इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट एट नाइन ऐसी कुछ आएगी जीरो पॉइंट एट नाइन आएगी वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू टाइप कुछ आएगी थ्री बड़ा नंबर है ना इससे अगर थ्री ई e से बड़ा नंबर है तो पावर वन से बड़ी रखनी पड़ेगी तभी काम चलेगा वन पॉइंट आ गया उसका बॉक्स कितना होगा वन होगा तो बॉक्स की वैल्यू तो आ गई वन अगर हम आरएचएल की बात करें आरएचएल के लिए कौन काम करेगा ये वाला हिस्सा काम करेगा अब एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे थ्री प्लस एच तो थ्री प्लस का स्केयर होगा पहले फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा थ्री प्लस एच का जो स्केयर होगा वो ऑलमोस्ट की बराबर होगा नाइन से हल्का सा बड़ा होगा नाइन से हल्का सा बड़ा एक्सपेंड करो एक काम करो रुको एक मिनट इसको एक्सपेंड करेंगे तो नाइन आएगा प्लस एच का स्केयर आएगा प्लस टू एच आएगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड हो रहा हो तो उस इंटीजर को गायब कर सकते हैं जब फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाया था तब लिखवाया था एक्स प्लस एन का फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एन को डायरेक्ट गायब कर सकते हो तो नाइन को गायब कर दिया का स्केर एच का स्केयर प्लस टू कितना बचेगा जीरो को टेंड करेगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा जीरो अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हमारा फंक्शन यहां पर क्या होगा डिसकंटिन्यूस चेक करो एल एच एल इक्वल नहीं आ रहे ये चेक हो गया अब थ्री पर चेक होने के बाद अब किसकी बारी है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ये जब जब इंटीजर होगा तब तब दिक्कत आने वाली है अब यहां पर हमें बोला हुआ है कि x जो है वो 3.5 और 3 के बीच में है अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करूं तो हमें पता चलेगा कि किसकेर की वैल्यू थ्री का स्केयर यानी नाइन थ्री पॉइंट फाइव का स्केयर यानी ट्वेल्व इनके बीच में आएगी तो इसके बीच में एक्सकेर क्या क्या इंटीजर वैल्यू ले रहे क्या दस ले रहे नौ तो ले नहीं पा रहा दस ले रहे फिर ग्यारह ले रहे और फिर बारह ले रहे इसके अलावा कोई इंटीजर वैल्यू लेगा तो सिर्फ इन पर दिक्कत आएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर x के 10 है, तो x की वैल्यू रूट 10 आएगी, रूट 11 आएगी, रूट 12 आएगी। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो कहां-कहां पर डिसकंटिन्यूस आया? e पर आया, 3 पर आया, रूट 10, रूट 11, रूट 12। ये पांच पॉइंट होंगे के

तो तो ये कंटिन्यूस है। तो हमें मतलब एक्स नहीं है ना हमें तो उसका जो इनपुट है एक्सकेर उससे मतलब है। ऐसी हमें यहां पर ये मतलब नहीं है चेक तो कर लेंगे हमें मतलब जैसे ई है एक्स इक्वल टू ई इंटीजर नहीं है ना तब भी बॉक्स क्या हुआ डिसकंटिन्यूस हुआ क्योंकि अंदर वाला जो पूरा फंक्शन है उसको वैल्यू इंटीजर देनी है ना कि एक्स को देनी है एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो टॉपिक टाइप ही लिखो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर एन ठीक है तो मान लो अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखे कि ए कोई भी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नंबर होगा ठीक है उसकी पावर या वेरिएबल भी हो सकता है जो भी है लिमिट के लिए कॉन्स्टेंट है बेसिकली उसकी पावर अगर इन्फानेट को टेंड कर रही हो अगर उसके बारे में बात करनी हो तो कैसे फंक्शन को चेक करते हैं तो इसमें बेसिक दो तीन चीजें पता होनी चाहिए अपने को कि अगर नंबर वन से बड़ा नंबर है उसकी पावर इंफानाइट करोगे तो कितना आएगा जैसे टू की पावर इन्फानेट करें तो कितना आता है इंफानेट आता है अगर एग्जैक्ट वन की पावर इन्फानेट करेंगे तो कितना आएगा एग्जैक्ट वन आएगा एग्जैक्ट वन की बात करें लिमिट की बात नहीं करें फिलहाल और अगर वन से छोटा नंबर हो जैसे सपोज करो जीरो पॉइंट फाइव उसकी पावर इन्फाइन करेंगे तो कितना जीरो आएगा ठीक है, है। बस ये दो तीन बातें ध्यान रखनी क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे कि क्या काम करना है अपने को लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेस टू द पावर टू एन 1 वन अपॉन में आएगा एक्स रेस टू power टू एन प्लस वन ठीक है और यहां पर ये यह बोला गया है कि n जो है वो इंटीजर ही है क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी हमें एज्यूम भी करके चलना पड़ता है ना भी दिया हो तो मानना पड़ जाता है कि n इंटीजर है लेकिन मैं यहां पर तुम्हें दे रहा हूं तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद करोगे तो यहां पर सोचने का तरीका क्या होता है सोचने का तरीका वही है दोबारा पावर इंफानाइट को करिए ना तो बेस पर फर्क पड़ेगा सारा का सारा अगर बेस वन से बड़ा हुआ तो वैल्यू इंफाइट आ जाएगी अगर बेस वन से छोटा हुआ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो और ध्यान रखना पूरा फंक्शन जो है वो लिमिट निकालने के बाद आ रहा है इसकी लिमिट निकालने के बाद जो वैल्यू आई है उसको हम एफ ओफेक्स बोल रहे हैं तो केसेस बनाने चालू करते हैं केसेस क्या क्या बनेंगे सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है तो इस चीज से क्या होगा ठीक है या मिनट मिनट रुको, रुको। यहां पर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि एक्स की जो पावर है वो टू एन है तो इसको मैं एक्सकेर की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्सकेर की पावर एन प्लस वन ये लिख सकता तो? हूं ये फर्क पड़ेगा कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है जैसा काम टू पर होगा वैसा ही काम माइनस टू पर होगा टू रखोगे तो क्या आएगा फोर की पावर एन माइनस वन अपॉन फोर की पावर एन प्लस वन अगर की, टू रखोगे, तब क्या फोर की पावर एन माइनस वन फोर की पावर एन प्लस वन तो प्लस टू और माइनस टू हमारे लिए एक जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर हम उस चीज का यूज करेंगे एक तरह से तो पहला काम तुम क्या करोगे मोडेक्स को ले लो वन से बड़ा मोडेक्स के लिए काम हो गया तो मतलब दोनों तरफ के लिए काम हो गया अब अगर एक्स वन से बड़ा होगा तो वन से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी कितना होगा इंफिनिटी होगा लिमिट निकालनी है अपने को कैसे चेक करेंगे सॉरी एक्सकेयर <coughs> की पावर एन माइनस वन नीचे आ एक्स एक्सकेयर की पावर एन प्लस वन दोबारा फिर बोलो अगर एक्स वन से बड़ा होगा तो उसकी पावर इन्फानेट करने पर इंफानाइट आएगा इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इंफिनिटी प्लस वन पूरे लिमिट चैप्टर में हमने क्या बोला था इन्फिनिटी में काम करना पसंद नहीं है जहां भी भीटी आएगा तो उस इंफिनिटी से डिवाइड करवाना पड़ेगा तो किससे डिवाइड करवाएंगे यहां पर लिमिट निकालने के लिए एक्स की पावर टू एन से अगर मैं एक्स की पावर टू एन से डिवाइड करवा दूं तो वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू एन नीचे क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू है ना अब नीचे वाला नंबर को टेंड करे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो चलो बाद में समझ भी नहीं आएगा डायरेक्ट समझ लो इसकी वैल्यू जीरो आएगी इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी तो लिमिट किसकी इक्वल आ गई तो मुझे पता चल गया अगर मोड मोडेक्स वन से बड़ा होगा तो वैल्यू वन आएगी अच्छा लगातार वन आएगी ना बीच में कोई ब्रेक आएगा नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूं कि जब जब मोडेक्स वन से बड़ा होगा तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा टू पर थ्री पर थ्री पॉइंट फाइव पर सिक्स पर सेवन पर हंड्रेड 100 पर वन थाउजेंड पर हर जगह तो बनेगा क्योंकि लगातार वैल्यू वन आती जाएगी तो कॉन्स्टेंट एक लाइन बन जाएगी सिंपल ओरिजोनटल लाइन ठीक है ये काम हुआ अगली बार वैल्यू किस पर चेक करेंगे अपने कहां पर कहा अब हम वैल्यू चेक करेंगे जब मोडेक्स वन से छोटा होगा अब एक्स अगर वन से छोटा है तो लिमिट एन टेंडिंग टू तो इंफिनिटी एक्सकेयर की पावर एन माइनस वन अपोन में आएगा एक्सकेयर की पावर एन प्लस वन अच्छा वन से छोटे नंबर की पावर इन्फान करेंगे तो कितना आएगा जीरो आएगा अभी बात हुई जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन कितना बनेगा माइनस वन तो यहां से वैल्यू आई माइनस वन ठीक है एक्स जब वन से छोटा होगा हमेशा वैल्यू माइनस वन आएगी तो बीच में जितनी भी वैल्यू जाएंगी जीरो जीरो, 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 जीरो तो है है। मोडेक्स मोड लेस देन वन की बात कर ली अब किसकी बात करेंगे जब मोडेक्स वन होगा एग्जैक्ट वन होगा तो मोडेक्स इक्वल टू एग्जैक्ट वन अगर अब बात की जाए तो ये बनेगा लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू एन प्लस वन अगर एक्स की वैल्यू वन है एग्जैक्ट वन है ना एग्जैक्ट वन होगी तो वन माइनस वन कितना मिलेगा नीचे आएगा वन प्लस वन, टू। जीरो टू कितना मिलेगा? तो एक काम करते हैं फंक्शन बनाकर देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ बनाकर देखे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी सॉरी माइनस वन यहां पर वैल्यू आएगी वन अगर मैं माइनस वन से पहले बात करूं सुन लो एक बार माइनस वन से पहले बात करूं तो एक्स वन से बड़े MOD X 1 से छोटे बड़े। बड़े। तो वैल्यू कितनी मिलेगी बड़े। तो पहले तो ये फंक्शन लगातार वैल्यू बन लेगा लेकिन मोड एक्स इक्वल टू वन माइनस वन पर मोड कितने वन है ना वन पर जंप मार के कितनी वैल्यू लेगा जीरो ही मैं माइनस वन से आगे बढ़ा अब मोड की वैल्यू माइनस वन से छोटी है बड़ी है जैसे माइनस जीरो पॉइंट सिक्स है जैसे माइनस जीरो पॉइंट सिक्स उसका मोड क्या होगा जीरो पॉइंट सिक्स वन से छोटी है तो अब कौन सा पार्ट काम करना चालू करेगा माइनस वन अब ये जंप मारकर नीचे आएगा माइनस वन पर लगातार माइनस वन वैल्यू लेता रहेगा अच्छा वन पर मोड कितना है वन है वैल्यू कितनी आएगी जीरो अब वैल्यू लेगा जीरो अच्छा जैसी वन से आगे बढ़ेंगे मोड की वैल्यू वन से बड़ी आनी चालू हो जाएगी अब कितनी वैल्यू लेना चालू करेगा तो ये ब्रेक तो तो कर तो कहां पर आ रहे हैं फंक्शन में एक तो माइनस वन पर आ रहे और वन पर यही टूट रहे ना ग्राफ बाकी तो लगातार चलता जा रहा है जितना चल रहे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी माइनस वन एंड वन ये तरीका होता है इसमें सोचने का नहीं समझ में आए तो पूछ लो नहीं तो इसी टाइप के क्वेश्चन करके देखते पॉइंट्स ऑफ़ एंड ठीक है थोड़ा अजीब सा है थोड़े एक बार एक दो बार नोट्स पढ़ोगे देखना आ जाएगा कि कहां पर चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं बुकलेट करोगे थोड़ा और क्लियर होगा डाउट वगैरह पूछोगे <coughs> बाकी उतना टफ है नहीं एक बार अगर थोड़ा आइडिया लग जाए कहां कहां पर चेक करने और अगर वो पॉइंट बोल ही दे जैसे मैं मान लो बोल देता कि फोर पर चेक करो वो काम सबसे आसान होता है क्योंकि एल निकालो आरएचएर निकालो और फोर पर वैल्यू निकाल लो थोड़ी बहुत दिक्कत वहां पर आती है कि हमें खुद को गैस करना पड़ता है कि कहां पर चेक करना चाहिए जैसे पिछला सवाल था वहां पर उसने बोला नहीं था कि रूट टेन पर चेक करो हमें दिमाग लगाना पड़ा वो थोड़ी सी बात है और वो भी कितने तीन ही है बॉक्स है फ्रैक्शनल पार्ट है सिग्नल में

एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड इन टू इंफिनिटी कोसेक्स की पावर टू है करके देखो जल्दी दोबारा स्टार्ट कैसे करोगे लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रही है तो जो बेस है उसको किसके आसपास देखोगे देखोगे जब बेस वन से बड़ा है तब क्या हो रहा है बेस वन से छोटा है तब क्या हो रहा है और वन पर क्या हो रहा है ठीक है वन पर ही देखते हैं हम <coughs> सॉरी और दोबारा एक्स की वैल्यू वन नहीं जब बेस की वैल्यू वन है वहां पर देखते हैं क्या करोगे चलो ये हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कोस्केर एक्स और पूरे की पावर एन <coughs> सॉरी दोबारा फिर बोलो एक नंबर है उसकी पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो इसको चेक कहां पर करोगे जब जब बेस की वैल्यू वन होगी या माइनस वन होगी ठीक है तो बेस जो है कोस्केर एक्स ये वन के इक्वल कब होगा जब कोसेक्स की वैल्यू या तो प्लस वन आएगी या माइनस वन आएगी तुम्हें अगर कोसेक् का याद हो तो क्या होता है कोसेक्स यहां पर वैल्यू लेता है सॉरी यहीं पर तो लेता है कोसेक्स यहां पर कितनी वैल्यू लेता है वन? यहां पर कितनी वैल्यू लेता है माइनस वन जीरो, और जीरो. तो प्लस वन और माइनस वन वैल्यू कहां पर लेता है एक्सिस पर और एक्सिस पर कौन से एंगल होते हैं एन पाई अगर ऐसे देखते हो तो ऐसे बढ़िया अगर किसी और तरीके से देखते हो तो वो ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी एन पाई तो एन पर हमें सोचना पड़ेगा कि एन पर हो क्या रहे ये नहीं कह रहे कि डिसकंटिन्यूस डायरेक्ट मत कह दिया करो कभी भी एन पर होगा क्या जैसे ही तुम वन से हल्का सा ऊपर जाओगे जैसे अगर वन पर चेक करें वन पर चेक करें तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा एग्जैक्ट वन है एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी कितना आएगा एग्जैक्ट वन आएगा ठीक है अगर तुम थोड़ा सा ऊपर या नीचे मूव करने की कोशिश करी तुमने थोड़ा ऊपर गए या थोड़ा नीचे आए तो कोसेक्स की वैल्यू वन से बड़ी आएगी या वन से छोटी आएगी छोटी आएगी कोसेक्स कभी भी वन से बड़ा तो जाता नहीं तो अगर ऊपर बात करें तो ऊपर क्या होगा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू अब जो कोश के रेक्स है, उसकी वैल्यू वन से छोटी होगी वन से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी कितना होता है जीरो होता है तो ये जीरो आ गया ऐसी अगर नीचे की तरफ आओगे तब भी एफ ऑफ एक्स कितना आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक तरफ जाओगे तो वन से बड़ी वैल्यू मिलेगी दूसरी तरफ आओगे तो वन से छोटी वैल्यू मिलेगी क्योंकि कोसेक्स कभी भी वन से बड़ा नहीं होता अच्छा देखो इस वन के अराउंड देखो वन पर वैल्यू वन आ रही है ऊपर नीचे वैल्यू कितनी आ रही है जीरो तो ब्रेक आएगा या नहीं आएगा डिसकंटिन्यूटी आएगी या नहीं आएगी बिल्कुल आएगी तो इसका मतलब जहां जहां पर कोसेक्स वन होगा या उसी तरीके से माइनस वन होगा सेम काम इस तरफ होगा तो जहां जहां पर कोसेक्स वन या माइनस वन वैल्यू लेगा वहां वहां पर हमारा फंक्शन बनेगा और कोसेक्स प्लस माइनस वन वैल्यू कहां पर लेगा? N पर लेगा पाई समझ में कहा बाकी और कहीं पर भी चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है ना तो जीरो पर चेक करने की जरूरत है ना वन बाई टू पर चेक करने की जरूरत है जैसे सपोज करो मान लो कोसेक्स की वैल्यू वन बाई टू होगी क्या दिक्कत है 1 by 2 है तो कोस एक्स कितना होगा 1 by 4 होगा 1 by 4, 1 से छोटा नंबर है ना जब उसकी पावर रखोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा इसके आसपास भी जीरो दिक्कत हमेशा तब आती है जब अपने को ठीक है तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटीन्यूटी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एन बाई तो कितनी डिस्कंटीन्यूटी के पॉइंट्स आएंगे अपने पास इंफानिट आएंगे एन पाई रहने दो एक काम करो के पाई लिख लो एन तो ऊपर लिखा हुआ है के की इंटीजर वैल्यू रखते ड़, ड़, जाओ जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इनफाइनाइट पॉइंट्स आते रहेंगे जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो ये तरीका होगा सोचने का ऐसे अगर मान लो मैं साइन एक्स की पावर टू एन बोल देता तब क्या करते अब तुम ये सोचते कि साइन एक्स कब प्लस माइनस वैल्यू लेते

दोनों काम किए अभी भी लगेंगे दस मिनट कहीं और बैठ जाओगे कितने बजे स्टार्ट है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास अब ब्रेक चाहिए बीच में पांच दस मिनट में लगे ना। कर लिया नोट एक और स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आता है अपने पास जैसे अभी तक हम जो कंटिन्यूटी इतनी कर रहे थे फंक्शन अलग अलग टाइप के ही है अब बस थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है खत्म हो जाएगा मतलब कल ही होगा आज नहीं होगा तो हमारे पास क्या है जैसे कुछ अलग टाइप के फंक्शन आते हैं जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे जैसे अगर वन पर लिमिट चेक करनी है तो वन के लेफ्ट में देखते थे वन के राइट right में देखते थे अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लेफ्ट राइट right में ना देखकर कर रेशनल इेशनल में देखते हैं जैसे क्वेश्चन लिखते हैं उससे समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या क्या हो तबीयत खराब हो रही है तो नेक्स्ट क्लास तो अटेंड करेगी नहीं नहीं करेगी फिर कोई दिक्कत नहीं लेक्चर देख लेना वो जो अपलोड होगा कोई दिक्कत नहीं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन रेशनल एक्स इज ठीक है तो नॉर्मली हमारे पास कैसी चीजें लिखी होती हैं नॉर्मली तो ये लिखा होता है कि x अगर वन से छोटे तो वैल्यू वन आ रही है अगर x वन से बड़ा है तो आ रही है तो इसमें छोटे बड़े की बात बात ना करके किसकी करते, रैशनल, की बात करते कि रेशनल होगा तो वैल्यू वन इरेशनल होगा तो जीरो तो मतलब क्या हुआ ये क्वेश्चन वाला अगले वाला तुम करोगे जैसे 2 पर हम चेक करना चाहें कि 2 के पास क्या हो रहा है <coughs> सॉरी तो मैं 2 पर ये देखूंगा कि एग्जैक्ट 2 पर क्या वैल्यू ले रही है वन वैल्यू ले रही क्योंकि टू है क्योंकि 2 कैसा नंबर है रेशनल है तो एफ ऑफ f(2) की वैल्यू तो आ गई 1 अब मैं इसमें एलएचएल आरएचएल नहीं निकालूंगा अब मैं ये सोचूंगा जैसे यहां पर हम 2.4 पर 2.4 रैशनल नंबर है इस पर वैल्यू कितनी मिलेगी 1 आएगी फिर मैं अगला रेशनल रैश, नंबर लूंगा टू पॉइंट टू कितनी वैल्यू आएगी वन आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन आगे इस तरीके से बढ़ेंगे रेशनल नंबर पर ही आगे बढ़ेंगे रेशनल वैल्यू ही अचीव करेंगे ठीक है ऐसी इससे पहले कौन सा नंबर आएगा वन पॉइंट एट आएगा वन पॉइंट एट रैशनल है इेशनल है? है कितनी वैल्यू देगा वन तो रैशनल पर जाते जाते हमारे पास वैल्यू कितनी आती रहेगी वन वन आती रहेगी अब मैं ये सोचूंगा कि टू के बिल्कुल पास में जो रैशनल नंबर होगा उस पर वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी तो जब इस तरीके से वन 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 करते जा रहे हैं तो हमारे पास टू पर वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी तो एक तरफ से तो लिमिट आएगी वन अब ऐसी यहां पर तो वैल्यू आई वन ऐसी मान लो मैं टू के बिल्कुल पास में इरेशनल नंबर है मान लो ये इरेशनल नंबर है कोई भी ठीक है वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री फोर एट ना तो रिपीट कर ना खत्म हो रहा चलता जा रहे अगर इरेशनल नंबर की बात करें तब कितनी वैल्यू आएगी जीरो आएगी तो टू के जस्ट पास वाला इरेशनल नंबर उस पर वैल्यू जीरो आएगी तो अगर मैं अपनी नंबर लाइन में सिर्फ रेशनल नंबर को कंसिडर करूंगा रेशनल नंबर पर चलते हुए मैं टू को अप्रोच करूंगा लेफ्ट राइट right का पंगा नहीं है इस पर इस बार पंगा यह है कि रेशनल पर चलने या इरेशनल पर चलने रेशनल पर चलते हुए अगर मैं टू को अप्रोच करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी वन आएगी Irrational पर चलते हुए कितनी वैल्यू आएगी जीरो तो दोनों तरफ से होगा? नहीं होगा. ही सेम नहीं आ रही. अच्छा ऐसी अगर मैं बात करूं माइनस सेवन की माइनस सेवन के लिए भी सेम पंगा होगा जब तुम रेशनल नंबर पर चलते चलते रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से जब तुम क्यू पर चलते चलते माइनस सेवन को अप्रोच करोगे तो वैल्यू कितनी आती जाएगी वन आती जाएगी जब तुम क्यूड की बात करना चालू करोगे इरेशनल की की अब वैल्यू कितनी आनी चालू होगी बराबर आएंगे? नहीं आएंगी। तो की नहीं तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी पर क्योंकि एक तरफ से लिमिट वन आ रही है दूसरी तरफ से लिमिट जीरो आ रही है तो किसी भी नंबर की लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहां पर हर नंबर के लिए सेम काम होगा एक तरफ से वन आएगी एक तरफ से जीरो आएगी तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या बोल दूंगा एफ एक्स इज डिस्कटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर दोबारा फिर बोल देता हूं यहां पर एल एच एल आर एच एल का पंगा ना लेकर ये देखते हैं कि रेशनल पर चलना या इरेशनल पर चलना रेशनल पर चलने से लिमिट वन आई इरेशनल पर चलने से लिमिट जीरो आई बराबर कभी भी नहीं आएगी इसका मतलब हमेशा डिसकंटिन्यूस है एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर कंटिन्यूअस बनेगा एक क्वेश्चन लिख लो कल डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक जो भी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू मतलब q का मतलब रेशनल इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश मतलब इरेशनल इज कंटिन्यूस तुम्हें एक्स की वो वैल्यू बतानी है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस आएगा करके आना कल डिस्कस करेंगे और नोट्स पढ़ लेना एक बार जो दोबारा चीजें बताई है ना जो